हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हम पढ़ रहे हैं पाइसेस। तो पाइसेस में हमने बोनी फिशेस देखी हैं, और बोनी फिशेस में टू मोर एग्जांपल्स आर देयर जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, तो वो आज हम पढ़ेंगे। ऑस्टिकथाइस, बोनी फिशेस, पाइसेस और फाइलम रिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट, ठीक है, कॉर्डेटा, ठीक है। तो बोनी फिशेस में फिलहाल हमने देखी थी, मोस्ट ऑफ द फिशेस जो हैं वो हमने देखी थी कि एडिबल हैं, और उनका इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फिर कुछ फिशेस जो हैं उनके फीचर्स, ठीक है, कुछ जो हैं लैंड पर भी रह सकती हैं, और वो उनका इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि दर्शाता है कि वहाँ से जो है एम्फीबियंस की शुरुआत हो चुकी थी इवोल्यूशन की, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं लंग फिश हम पढ़ेंगे, और ये लंग फिश है अफ्रीकन लंग फिश, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीकन लंग फिश है। और लंग फिश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, साथ ही, ठीक है, इसको प्रोटोप्टेरिस भी कहते हैं, अफ्रीकन लंग फिश, ठीक है। हैबिटेट इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हैबिटेट जो है अफ्रीका में है, लेकिन फ्रेश वाटर में रहती है ये, लेक्स में और अफ्रीका में, कोस्टल वाटर में, सॉरी नॉट कोस्टल, शेलो वाटर में ये रहती है, ठीक है। तो अफ्रीकन लंग फिश का हम पिक्चर बना के देखते हैं कि कैसी होती है अफ्रीकन लंग फिश। ई लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, स्मॉल आईज होती हैं, और जो स्केल है, ओवरलैपिंग स्केल्स जो है इसकी बॉडी पर रहते हैं। So like this, legs जो हैं इसके filamentous legs होते हैं, not legs, sorry, fins, fins जो हैं इसके filamentous होते हैं, two pairs of fins, like this, filamentous जो हैं, cylindrical जो है fins होते हैं इसके, और इनकी सहायता से ये land पर चल भी सकते हैं, can walk on land, ठीक है। दूसरा जो इसके फिन्स होते हैं, डॉर्सल फिन और एनल फिन जो है, दे आर कंटिन्यूस विद द कॉर्डल फिन, लाइक दिस ये रहते हैं, और टैपरिंग एंड जो है कॉर्डल फिन का होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है लंग फिश होती है अफ्रीकन लंग फिश, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैबिट्स क्या हैं इसकी, हैबिट्स हैं कि एस्टिवेटिज्म इसमें पाया जाता है, ड्राई समर पीरियड में जो है जो ये बरोज में जाते हैं उसे एस्टिवेटिज्म कहते हैं, जो समर पीरियड में जो बॉडी को कूल रखने के लिए जब ये बरोज में जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एस्टिवेटिज्म, ठीक है। और जो कोल्ड में जो है जब ये छुपते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड में, कुछ जीव जो पॉइकिलोथर्मस होते हैं उनको जो है उसको कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। तो जो कोल्ड पीरियड में करेंगे दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन, जो समर पीरियड में करेंगे दैट इज कॉल्ड द एस्टिवेटिज्म, ठीक है। तो ये उनमें पाया जाता है जो कि पॉइकिलोथर्मस
होते हैं, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। यदि वेदर कोल्ड है तो बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, ठीक है। बट यूजुअली मैमल्स में जो है ये नहीं होता, और मैमल्स जो हैं उनका टेम्परेचर एक होमोथर्मिस होते हैं वो, और एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है बॉडी का मेनटेन रहता है। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो दैट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर जिसको कि हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है, ठीक है। यदि बहुत ज़्यादा बाहर हॉट है तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी, ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगी जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर कूल रहे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि समर में बहुत स्वेटिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होता है, नॉर्मल होता है स्वेटिंग की वजह से। जब स्वेट जो है एवेपोरेट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। उसी प्रकार बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो बॉडी शिवर करती है, तो शिवरिंग की वजह से क्या होता है कि जब मसल्स में जो है एक्टिविटी होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो दैट हीट गोज टू द बॉडी टेम्परेचर और उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो इस प्रकार मैमल्स जो है उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट रखते हैं, जबकि पॉइकिलोथर्मिस ऐसा नहीं कर सकते, और इसलिए उन्हें हिडन रहना पड़ता है उन मौसम में जिनमें कि उन्हें बचना है। तो हमारी जो लंग फिश है वो समर ड्राई पीरियड में ऐसा करती है, एस्टिवेटिज्म शो करती है, ठीक है। और इट कम्स ऑन लैंड टू टेक एयर इनटू द लंग, और उसके बाद ये ब्रीथ करके वापस पानी में चली जाती है, ठीक है। तो For some time it comes to the land and goes into the water back. ठीक है, साथ ही ये जो है can walk on paired fin. Paired fin आप देख ही रहे हैं, इसके filamentous है और वो limbs का काम करते हैं और इसे walk में help करते हैं, ठीक है। तो paired fins मतलब कि pectoral and the pelvis fins, उनकी मदद से ये क्या करती है, ये walk कर सकती है, ठीक है। साथ ही ये जो है कार्निवोरस होती है और कैनिबलिज्म भी ये शो करती है, ठीक है। कैनिबलिज्म मतलब कि अपनी ओन स्पीशीज को ये खा सकते हैं, दैट इज नोन एज द कैनिबलिज्म, और दैट इज कॉल्ड कैनिबलिज्म। साथ ही ये ओवी पैरस होती है, ठीक। तो दिस इज द हैबिट्स ऑफ अवर लंग फिश, और इसके अब एक्सटर्नल या सैलियंट फीचर्स हम देखेंगे क्या है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल ईल लाइक बॉडी, जिस प्रकार ईल होती है उस प्रकार आप देख सकते हैं इसकी बॉडी है। साथ ही इट स्विम्स लाइक अ ईल, जैसे कि स्विम ईल, जो ईल है वो स्विम करती है, ठीक है, उस प्रकार जो है ये स्विमिंग करती है और इस प्रकार इसकी बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल ई लाइक बॉडी एंड स्मॉल आईज, माउथ एंड नेरिस एट एंटीरियर साइड, ठीक है। कैन सी दिस इज आई, माउथ, नेरिस, ठीक है, दीज आर पेक्टोरल फिन, दीज आर पेल्विक फिन, ठीक है। तो ओके, ओवरलैपिंग स्केल्स ऑन बॉडी, बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ठीक है। साथ ही पेयर्ड फिन आर फिलामेंटस लाइक फिलामेंट्स, ओके, फिलामेंट्स लाइक उसका जो शेप है वो होता है, और डॉर्सल एंड एनल फिन आर कंटिन्यूअस विद द कॉडल फिन, ठीक है, एंड कॉडल फिन्स आर टैपरिंग, टैपरिंग एंड जो है
कॉडल फिन से बनता है। ठीक है, यू कैन सी टैपरिंग जो है कॉडल फिन है। तो दिस इज एनल फिन, दिस इज डॉर्सल फिन एंड दिस इज कॉडल फिन, जो कि आप देख सकते हैं कि टैपरिंग है, और डॉर्सल और एनल फिन कंटिन्यूस है कॉडल फिन के साथ। ठीक है, तो दीज आर द जो है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ अवर लंग फिश, अफ्रीकन लंग फिश। ठीक है, जिस प्रकार ये अफ्रीकन लंग फिश होती है उसी प्रकार एक अमेरिकन लंग फिश होती है। और एक ऑस्ट्रेलियन लंग फिश होती है। नाम है लिपिडोसायरे। और ठीक है, अमेरिकन लंगफिश इज नोन एज द लिपिडोसायरे और ऑस्ट्रेलियन लंगफिश इज नोन एज द नियोसेराटेरस। ठीक है, और जो अफ्रीकन लंगफिश है दैट इज नोन एज द प्रोटोप्टेरस। ठीक है, तो ये लंगफिश कहलाती है क्योंकि इनमें ब्रीदिंग के लिए लंग्स होते हैं। कुछ समय के लिए ये लैंड पर वॉक भी कर सकती है, और इसलिए एम्फीबियंस का जो है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई एम्फीबियंस जो है वो कैसे जो है उनका ओरिजिन हुआ होगा। ठीक है, बट एक जो फिश जिसको मानते हैं कि भाई वो एम्फीबियंस जो है वहाँ से ओरिजिनेट हुए होंगे, वो फिश है लैटिमेरिया, जो कि अब हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोप्टेरस, जो कि फ्रेश वाटर लेक्स में रहती है अफ्रीका में, शेलो वाटर में रहती है, एस्टिवेटिज्म शो करती है और लैंड पर कुछ समय के लिए आती है, और इट टेक्स एयर इन टू द लंग एंड इट goes back to the water. ठीक है, it can walk with its paired fin and they are like filaments and it swims like a eel. ठीक है, it shows cannibalism that it eats its own species. It is carnivorous and it is oviparous. Then its body is cylindrical, eel-like body, and it has a tapering caudal and it has paired fin like filaments, and it has dorsal and anal fin which are continuous with the caudal fin. Okay, and other lungfish are American and Australian. Okay, so next we are going to see the Latimeria. Okay, ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखी ऑस्टिक थाइस जो कि है लॉन्ग फिश जो है, हमने उसका एक एग्जाम्पल देखा ऑस्टिक थाइस का। अब जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रही हूँ आपको, दैट इज लैटिमेरिया, और सील कैंथ भी इसको कहते हैं, द सील कैंथ। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या खास बात है, कि माना जाता है कि ये जो फिश है इससे ही एम्फीबियंस जो है उनका ओरिजिन हुआ। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फिश है ये काफ़ी सालों से जो है, इट इज़ वेरी ओल्डेस्ट फीचर जो है फिश के, ओल्डेस्ट फीचर, प्रिमिटिव फीचर्स जो है फिश के है इस फिश में। और साथ ही ये जो है काफ़ी सालों से ये फिश जीती आ रही है और विदाउट एनी चेंज। सो साथ ही बहुत जो पुराने और एरा के और एज के जो एनिमल्स हैं उसके साथ इस फिश के फॉसिल्स मिलते हैं, और ये स्टिल जो है अफ्रीका के कोस्टल एरिया में जो है पाई जाती है। तो इस फिश को जो है लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो बहुत ओल्ड जो है फिश, काफ़ी पुराने समय से ये जो है इसकी स्पीशीज है जिंदा, और दूसरा इसके फीचर्स जो है चेंज नहीं हुए हैं, दे आर द सेम, सो इट इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। ठीक है, तो लैटिमेरिया का जो है एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग।
ये स्केल्स जो है इसकी बॉडी पे रहते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार जो है लैटिमेरिया फिश जो है हमारी रहती है, ठीक है। दैट्स अ कनेक्शन। इस प्रकार जो है इसकी टेल रहती है और फिन्स रहती है, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट फीचर कि इसकी जो टेल है वो इस प्रकार से रहती है। और इसकी जो खास बात ये है कि आप देख रहे होंगे कि ये जो है दीज आर द कंटिन्यूस पार्ट ऑफ बॉडी, ये लोब्स रहते हैं और लोब्स से अटैच रहते हैं फिन्स। यू कैन सी दीज आर द फिन्स एंड दीज आर द लोब्स। लोब जो है फ्लैशी स्टॉक टाइप जो है स्टॉक टाइप एक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि फिन्स जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए इस फिश को जो है आप देख सकते हैं इसे क्या माना जाता है कि ये एम्फीबियंस जो है इस फिश से लैटिमेरिया से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो ये जो हैबिटेट है इसका अफ्रीकन कोस्टल एरिया में ये पाई जाती है, सबसे पहले 1938 में ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में यह देखी गई थी, ठीक है। उसके बाद से जब इस फिश पे रिसर्च हुई तब पता चला कि इट इज द ओल्डेस्ट फिश एंड हैविंग ऑल द प्रिमिटिव फीचर्स विदाउट एनी चेंज। एंड सो इट इज कॉल्ड इज लिविंग फॉसिल। ऑल्सो द एम्फीबियंस आर इवॉल्व्ड फ्रॉम इट, ठीक है। तो लैटिमेरिया से जो है एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोब्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो लोब्स हैं जो कि फ्लैशी स्टॉक टाइप स्ट्रक्चर है, उनको माना गया कि वो बाद में जाके जब इवोल्यूशन हुआ तो वो जो है फोर पेयर्स ऑफ लिम्स बने एम्फीबियंस में, ठीक है। तो इसे जो है माना जाता है एम्फीबियंस का एवोल्यूशन जो है लैटिमेरिया से हुआ, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स यदि हम देखें तो क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स जो है आप देख सकते हैं, दिस इज ओपरकुलम, आई, माउथ, ठीक है। दिस इज द डॉर्सल फिन और वो भी इंटीरियर डॉर्सल फिन है, आप देख सकते हैं। This is the posterior dorsal fin, और आप देख सकते हैं कि ये लोब है, ठीक है। तो except the anterior dorsal fin, all the other fins are lobed. आप देख सकते हैं कि सिर्फ anterior dorsal fin में लोब नहीं है, बाकी सारे fins जो हैं वो lobed हैं, ठीक है। This is pectoral fin, pair of pectoral fin रहता है। Pelvic fin, पेल्विक फिन आप देख रहे हैं कि काफी इंटीरियरली है, और दिस इज द एनल फिन, एनल फिन भी जो है क्या है लोब्ड है, एंड दिस इज द कॉडल फिन और कॉडल फिन भी जो है ये लोब्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका रहता है, ठीक है। देर आर टू, ऑल द फिन्स आर लोब्ड एक्सेप्ट
एंटीरियर डॉर्सल फिन. ओके ठीक है. यू कैन सी देयर आर टू पेयर ऑफ पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन. ठीक है. टू जो है डॉर्सल फिन, जो कि डॉर्सल ही रहते हैं बॉडी में. वन एनल फिन एंड वन जॉइंटेड विदाउट फोक. कोई डिवीजन नहीं है, फोक्ड नहीं है. कॉडल फिन. ठीक है. जो कॉडल फिन है वो कंटिन्यूस है. ठीक है. इसके दोनों जो पार्ट है, दोनों जो साइड है डॉर्सल एंड वेंट्रल, वो जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो इस प्रकार जो लेक्टिमेरिया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिश. इसका जो डिज़ाइन है, शेप है, वो भी काफ़ी जो है अलग है और बहुत सुंदर दिखती है फिश. तो ये जो है हमारी लेक्टिमेरिया, जैसे कि अफ्रीका में ये पाई जाती है, और ये जो है लिविंग फॉसिल कहलाती है. एम्फीबियंस का जो इवोल्यूशन है, माना जाता है कि लेक्टिमेरिया या सील कैंथ से ही हुआ है. ठीक. तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर बोनी फिशेस. और बोनी फिशेस में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे कि बोनी फिशेस में और कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या मेन जो है डिफरेंसेस है. ओके फ्रेंड्स, तो ग्नेथॉन्स की, ग्नेथोस्टोमेटा की जो आज हम क्लास पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास जो पाइसिस की बात आती है, और वो है हमारे एम्फीबियंस. क्लास एम्फीबिया. ठीक है. तो एम्फीबिया जो क्लास है वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, उनमें जो है एम्फी मतलब कि दोनों, बोथ. ठीक है. तो एम्फीबियंस जो हैं वो लैंड में और वाटर में दोनों में रह सकते हैं. ये जो वर्टिब्रेट्स थे, ये जो है कम्प्लीटली अडाप्टेड नहीं थे लैंड लाइफ के लिए, लेकिन स्टिल दे कैन लीव ऑन द लैंड. ठीक है. लेकिन वाटर जो है अभी भी उनकी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है था. तो ये जो है इनकी जो लार्वल स्टेज होती है, ये डिपेंडेंट होती है वाटर में. इनके जो एग होते हैं वो अडाप्टेड नहीं होते, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती कि जो है वो वाटर का इवोपरेशन ना हो एग पे से. इसलिए इनको ज़रूरी था कि जो लार्वल स्टेज थी, जो एग थे, वो वाटर में या मॉइस्ट प्लेसेस पर दिए जाए, और लार्वल स्टेज जो है वो यूजुअली रहती थी वाटर में. ठीक है. तो एम्फीबियंस जो है ये लैंड लाइफ के लिए कम्प्लीटली अडाप्टेड नहीं है, बट स्टिल दे आर हैविंग मैनी फीचर्स जो कि उन्हें लैंड लाइफ में जो है हेल्प करते हैं लैंड लाइफ में रहने में. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस, जिनमें कि जो है टोड्स, फ्रॉग्स जो है, सलामेंडर्स जो है आते हैं. तो इस क्लास को जो है हम इसके आज जनरल फीचर्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो एम्फी मतलब की होता है बोथ. ये जो एनिमल्स है दे कैन लीव ऑन लैंड एंड वाटर बोथ. ठीक है. दे हैव द टू स्टेजेस ऑन डिफरेंट एटमोसफेयर. लार्वल स्टेज जो होती है इट लीव्स ऑन वाटर, और एडल्ट स्टेज जो है मोस्टली दे रहते हैं, ये रहते हैं लैंड पर, ये दे आर टेरेस्ट्रियल. ठीक है. वाई? बिकॉज देयर एग्स डू नॉट हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग. सिर्फ जेली लाइक जो है कवरिंग होती है इनके एग्स पर, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती. जिस प्रकार की आप बाद में देखेंगे रेप्टाइल्स में या मैमल्स में जो है
जब हम देखेंगे एव्स में, हम देखेंगे कि उनमें क्या होता है कि एग्स पर एक शेल लाइक कवरिंग होती है, और वो शेल लाइक कवरिंग जो है वो क्या करती है, एवोपरेशन नहीं होने देती। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि एग ड्राई होने लगेगा, एवोपरेशन होने लगेगा, तो जो एग के अंदर जो है लार्वा वो कैसे जो है बढ़ेगा। तो इसलिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, और इसलिए इनके जो एग हैं यूजुअली दे ले एग्स ऑन द वॉटर या मॉइस्ट प्लेसेस पे वो एग्स जो है ले करते हैं, और लार्वा स्टेज भी मॉइस्ट प्लेसेस में या पानी में रहती है। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि दे आर नॉट वेल एडेप्टेड फॉर द लैंड लाइफ। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे एम्फीबियंस का कि वो लैंड और वाटर पे रह सकते हैं, लेकिन लार्वल स्टेज जो है वो अडेप्टेड नहीं है लैंड लाइफ के लिए, और इसलिए वो वाटर पे या मॉइस्ट प्लेसेस में ही सर्वाइव करती है। ठीक, तो एम्फीबियंस के हम जनरल फीचर्स देखेंगे क्या हैं। सबसे पहला जनरल फीचर जो हम देखते हैं हमेशा, बॉडी फॉर्म किस प्रकार का होता है। तो बॉडी फॉर्म जो है वेरियस काइंड ऑफ बॉडी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सिलेंड्रिकल होता है सेलामेंडर में, फ्रॉग्स में जो है कंप्रेस्ड हो सकता है, एंटीर कॉनिकल जो है वो शेप हो सकता है। तो वेरियस शेप जो है इनमें मिलते हैं एम्फीबियंस में, तो एक पर्टिकुलर कोई शेप नहीं, लिजार्ड टाइप भी शेप मिलता है। ठीक है, साथ ही जो है सिलेंड्रिकल स्नेक लाइक भी, इक्थायोपिस जो है वो सिलेंड्रिकल शेप रहता है उसका, स्नेक लाइक शेप, वर्म लाइक बॉडी होती है उसकी, स्नेक लाइक नहीं बोल सकते, वर्म लाइक बॉडी होती है। तो वेरियस बॉडी फॉर्म जो है एम्फीबियंस में मिलते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं एपेंडेजेस। एपेंडेजेस जो है इनमें टू पेयर्स ऑफ फिन मिलते हैं, जिनमें अपेंडेजेस होते हैं उनमें टू पेयर्स ऑफ लिम्स मिलते हैं। ठीक है, दे कैन बी एब्सेंट, एब्सेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि एक थायोपस में होते हैं, थायोपस में होते हैं। ठीक है, दे कैन बी ऑफ सिमिलर साइज, जैसे कि सैलामेंडर में होते हैं, हिमालय सैलामेंडर में, और ऐसा भी हो सकता है कि जो फोर लिम्ब हो वो शॉर्ट हो और हिंड लिम्ब जो है वो लॉन्ग हो, जैसे कि फ्रॉग्स में। ये जो फोर लिम्ब शॉर्ट होते, फोर लिम्ब जो है वो शॉर्ट होते हैं और हिंड लिम्ब लॉन्ग होते हैं या लार्ज साइज के होते हैं, तो ये फ्रॉग को हॉपिंग में मदद करते हैं, लीपिंग में, जंप करने में उन्हें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अपेंडेजेस भी डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, सिमिलर साइज के भी हो सकते हैं, डिसिमिलर साइज के भी हो सकते हैं। और जो है डिजिट्स यदि होते हैं लिम्ब्स, तो डिजिट्स होती है 4 to 5 डिजिट्स ऑन ईच लिम्ब। ठीक है, फिंगर्स में जो है डिविजन्स होते हैं, बट नेल्स या हूफ्स नहीं होते, नो नेल्स और हूफ्स। ठीक है, यूजुअली वेब्ड जो है होते हैं, जो पंजे होते हैं वो जो लिम्ब्स के जो हैंड रीजन होता है वो वेब्ड होता है। ठीक है, वेब्ड मतलब कि, ठीक है, ठीक है, तो इसको जो है हम कहते हैं वेब्ड। ठीक है, ये जो है दिस इज कॉल्ड द वेब इन द हैंड, तो इसको कहते हैं कि वेब्ड होता है जो हैंड होते हैं, वेब्ड होते हैं लिम्ब्स में, एंड साइज वेब्ड होता है, डिजिट्स के बीच में वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपेंडेजेस। उसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर स्किन। ठीक है, तो स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है, मॉइस्ट हो सकती है। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड हो सकती है, और मॉइस्ट, इट कैन हैव म्यूकस ग्लैंड और पॉइजनस ग्लैंड ऑन द सर्फेस। ठीक है, और स्केल्स नहीं होते बॉडी पे, नो स्केल्स।
ओके सो इसकी बॉडी पे जो है स्केल्स नहीं होते और पॉइजनस ग्लैंड हो सकती है, म्यूकस ग्लैंड हो सकती है और ड्राई या मॉइस्ट हो सकती है. और कुछ एम्फीबियंस में जो स्किन है इट इज़ एडेप्टेड फॉर द रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए एडेप्टेड होती है. मतलब कि एडेप्टेशन क्या होता है, मॉइस्ट रहेगी, थिन रहेगी, तो दैट इज द एडेप्टेशन फॉर द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ताकि जो स्किन है उससे ही जो गैसेज हैं उसके ट्रांसफर हो सके, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो सके. तो सम एम्फीबियंस आर एडेप्टेड फॉर द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले यदि माउथ देखें तो माउथ में जो टंग है वो प्रोट्रूसिबल मस्क्यूलर टंग होती है. फर्स्ट टाइम रिवर्सिबल, ठीक है, तो प्रोट्रूसिबल मस्क्यूलर टंग एंड ओके. इसके पहले जो फिश होती है उनमें भी टंग पाई जाती है, लेकिन ना तो वो मस्क्यूलर होती है ना ही वो प्रोट्रूसिबल होती है. तो ये फर्स्ट जो है बैच है जिसमें कि प्रोट्रूसिबल और मस्क्यूलर टंग होती है, और साथ ही इसकी टंग जो है वो इंटीरियरली अटैच होती है, आपने यदि टोड्स में देखा होगा, और उसकी मदद से जो है ये अपना शिकार भी करते हैं. ठीक है, ओके, सो टंग इज सॉफ्ट एंड अटैच्ड इन एंटीरियर. जैसा कि मैंने बताया कि एंटीरियरली अटैच होती है, जो कि इसे फ्रॉग में यूजुअली, सेलेमेंडर में यूजुअली हेल्प करती है शिकार करने के लिए. ठीक है, म्यूकस कोटेड होती है, ताकि जो है इसके म्यूकस कोटेड होने की वजह से क्या होता है कि जो इसका शिकार है यूजुअली यदि इंसेक्ट वगैरह खाते हैं तो इंसेक्ट जो है वो यूजुअली टंग में चिपक जाते हैं. तो इस प्रकार म्यूकस कोटेड एंटीरियरली अटैच्ड होती है और प्रोट्रूसिबल टंग होती है. ठीक है, टीथ की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम में तो टीथ जो है इसके होमोडोंट होते हैं. होमोडोंट मतलब सभी जो है सिमिलर इन साइज इज कॉल्ड होमोडोंट. होमो मीन्स सिमिलर और डोंट मतलब कि टीथ, तो होमोडोंट होते हैं दैट इज सिमिलर इन साइज. पॉलीफाइलोडोंट होते हैं, दैट मीन्स कि मैनी सेट्स ऑफ टीथ होते हैं इनमें. और एक्रोडोंट होते हैं, एक्रोडोंट मतलब कि जो टीथ हैं वो डायरेक्ट स्कल से जुड़े हुए रहते हैं, बोन्स से जुड़े हुए रहते हैं. तो एक्रोडोंट दैट मीन टीथ आर अटैच्ड टू द बोन्स. ठीक है, तो टीथ की भी जो है खास इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे एम्फीबियंस का. ठीक है, साथ ही जो गट है दैट ओपन इनटू द क्लोकल एपर्चर. ठीक है, जैसा कि एव्स में होता है, जैसा कि कुछ जो है हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल्स में होता था, तो क्लोकल एपर्चर में जो है गट खुलती है जिसमें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ओपन होता है. ठीक है, तो ये हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात जो है हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जो है डाइवर्सिटी है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि एक अकेला जो फ्रॉग है वो उसकी स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है. ठीक है, उसमें गिल्स भी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और वो लंग से भी रेस्पिरेशन कर सकता है, साथ ही उसकी जो बकल कैविटी है उससे भी रेस्पिरेशन कर सकता है. तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. और कौन सा एक और, पल्मोनरी दैट इज लंग से रेस्पिरेशन.
ये सभी इनमें पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैंकियल जिसमें कि गिल्स होते हैं तो उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। यदि बकल कैविटी से हो रहा है, माउथ कैविटी से यदि रेस्पिरेशन हो रहा है तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग से हो रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। यदि स्किन से हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार के, ये चारों ही प्रकार के रेस्पिरेशन जो हैं हमारे एम्फीबियंस में मिल सकते हैं। मेनली जो फ्रॉग होता है उसमें बकोफेरेंजियल, ब्रैंकियल, पल्मोनरी और क्यूटेनियस ये सभी प्रकार के रेस्पिरेशन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है खास है इसमें। ठीक है, उसके बाद यदि हम सर्कुलेशन देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें देखेंगे तो क्या होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में इनका जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर हार्ट होता है, और ये जो फीचर है दैट इज अ एडवांसमेंट ओवर द फिश। थ्री चैम्बर हार्ट, टू ऑरिकल्स या एट्रियम्स एंड वन वेंट्रिकल। ठीक है, साइनस विनोसस और कोनस आर्टेरियोसस आर प्रेजेंट। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो मिक्स्ड ब्लड टू द बॉडी। डबल सर्कुलेशन इनमें पाया जाता है, दैट मीन्स कि जो सर्कुलेशन है एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और जो है एक जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ साथ जो सर्कुलेशन होता है मेन जो कि हमारा हार्ट को जाता है, वीनस सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस प्रकार दो जो है डबल सर्कुलेशन इनमें मिलता है। हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स और लंग्स से वापस आता है हार्ट में। ठीक है, फिर हार्ट से बॉडी में जाता है और बॉडी से आता है हार्ट में, तो दैट इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन और वो एम्फीबियंस में मिलता है। ठीक है, साथ ही जो इसकी आरबीसीज होती हैं वो बाइकॉन्वेक्स, न्यूक्लिएटेड, ओवल होती हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है। ठीक है, यदि हम इधर डायग्राम बनाएं तो किस प्रकार रहेगा हमारा हार्ट का डायग्राम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये दो ऑरिकल्स हैं। ठीक है, दीज आर द टू ऑरिकल्स इन द एम्फीबियंस और एक वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल जो है सिंगल है और उसमें सेप्टम नहीं है, जबकि ऑरिकल्स जो है वो अलग अलग है। ठीक है, और दिस इज द साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, तो इस प्रकार जो ब्लड वेंट्रिकल पंप आउट करेगा तो वो क्या होगा, मिक्स्ड होगा। ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा, क्योंकि जो लंग से ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, बट यहाँ से जो वीनस से ब्लड आ रहा है, वीनस सर्कुलेशन, वो है डीऑक्सीजनेटेड। तो वो वेंट्रिकल में मिक्स हो रहा है और इस प्रकार जो वेंट्रिकल है वो मिक्स्ड ब्लड पंप आउट कर रहा है पूरी बॉडी में। तो इस प्रकार तीन चैम्बर वाला हार्ट होता है एम्फीबियंस में। दिस इज द राइट ऑरिकल, दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल और दिस इज द वेंट्रिकल, जो कि एक सिंगल इन नंबर है। ठीक है, ये है साइनस विनोसस और ये है कोनस आर्टेरियोसस। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एम्फीबियंस में मिलता है। ठीक है।